नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो जुपिटर बैंकिंग यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर पे, जो है जुपिटर मनी नाम से। ये दोस्तों यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, बैंकिंग सर्विसेज है जिसका फायदा उठा सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक और चीज रहती है, काफी लोग है वो जुपिटर मनी का जो अकाउंट है वो क्लोज करवाना चाहते हैं। हो सकता है उनका कोई भी रीजन हो, उस रीजन से अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो भी रीजन है हम ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्लोज करना है। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है, जुपिटर मनी या फिर जुपिटर बैंक लेके आपको गूगल पे सर्च कर देना है। आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है जुपिटर मनी की। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमको कुछ डिटेल्स देखने को मिलती रहेगी। हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे दे रखी है, काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स इन्होंने कर रखी है, एक्सप्लेनेशंस दे रखी है कैसे आपको यूज करना है इनका कार्ड वगैरह एप्लीकेशन। उसके बाद में जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, नीचे हमें जाते जाना है जाते जाना है। और दोस्तों आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके हमारे व्यूवर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जूम इन करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कॉन्टेक्ट अस का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और दोस्तों आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में दोस्तों आपका केवल और केवल 1 ही मिनट जाने वाला, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। देख सकते हैं जुपिटर की तरफ से एक हमें कॉन्टेक्ट अस की ईमेल आईडी दे रखी है, जहां से हम इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और वेट करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इनकी जो ईमेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें जीमेल बॉक्स से इनको मेल करना होगा, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और वेट करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम किसको भेज रहे हैं, support@jupiter.money इनको हम ईमेल कर रहे हैं। और अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्लोजर हमने लिख लिया है। सब्जेक्ट में हम नीचे हमें लिखने वाले हैं, दोस्तों हमने नीचे लिखा है अकाउंट क्लोजर, हाय आई एम पंकज, मैंने अपना नाम लिखा है। आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, आपको अपना आधा नाम नहीं लिखना है। फिर लिखना है जुपिटर मनी कस्टमर, दोस्तों हमें लिखना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट फॉर परमानेंटली। हमें परमानेंटली जरूर लिखना है ताकि हमारा क्लोज अकाउंट है वो परमानेंट क्लोज हो जाए। अब दोस्तों हमें नीचे लिखना होगा लीगल नेम, लीगल नेम यानी जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर लिखा है वही नाम हमको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हम लिखेंगे रियल बैंकिंग, यहाँ पे रियल बैंकिंग मैंने अपना नाम लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है जो आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर है। फिर नीचे दे रखा है नंबर, हमें वही मोबाइल नंबर दोस्तों लिखना है जो मोबाइल नंबर हमारा जुपिटर के साथ रजिस्टर्ड है। फिर दे रखा है ईमेल, तो हमें वही ईमेल एड्रेस से भी इनको भेजना है जो हमारा रजिस्टर्ड है, और वही यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में दोस्तों हमें एक प्रॉपर रीजन लिखना है, वैलिड रीजन, बहुत ही ज्यादा आसान, आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस कारण से आप अपना अकाउंट है वो बंद करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम रीजन में लिखेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आपका जो भी रीजन हो वो यहाँ पे जरूर लिखिए। प्लीज क्लोज माई अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। फिर हम नीचे लिखेंगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने लिखा है थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स। फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम हो यहाँ पे आप जरूर लिखिए। जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर लिखा है वही नाम लिखना है, मैंने लिखा है रियल बैंकिंग, आपको अपना नाम लिखना है पूरा का पूरा बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो ईमेल है हमें कंपनी को सेंड कर देना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 48 घंटे के अंदर अंदर हमको रिप्लाई आएगा। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है, और अगर कंपनी बाय चांस यहाँ पे आपको कुछ गलत बताती है या फिर ये बता देती है कि सर हम आपको ये स्कीम दे रहे हैं ये स्कीम दे रहे हैं, आप अपना अकाउंट बंद मत करवाइए, तो आप उनको यहाँ पे थोड़ा फोर्स कीजिए कि सर मेरे को अब अकाउंट बंद ही करवाना है, अब मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको थोड़ा फोर्स करके उनको बताना होगा, वरना वो क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ बहाने बनाएंगे और आपको नई नई स्कीमें बताते रहेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।